Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the next topic of pathology of female reproductive system, that is breast cancer. देखिए breast cancer बहुत ही एक hot topic है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर फीमेल डेथ का बहुत बड़ा कारण बन जाता है ये. फीमेल्स में पाए जाने वाले टॉप मोस्ट कैंसर्स के अंदर एक जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर को माना जाता है. बहुत जगहों पर तो हाईएस्ट जो है वो इसी की प्रेवलेंस देखने को मिल रही थी. जो कैंसर सबसे ज़्यादा फीमेल्स में होता है ब्रेस्ट कैंसर माना जाता है. इसको हम पढ़ें उससे पहले थोड़ी सी ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर्स देख लीजिए. ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती है, डीप पेक्टोरियल फेशिया में पाई जाती है. इसकी बाउंड्री जो है वो क्लेविकल सुपीरियरली, लेटरल बॉर्डर पे लैटिसिमस मसल लेटरली होती हैं, स्टर्नम मीडियली होता है, इन्फ्लामेटरी फोल्ड इन्फीरियरली इसमें पाए जा रहे होते हैं. तो ब्रेस्ट देखिए रिब दिखाई गई है, पेक्टोरालिस मेजर मसल है इससे जुड़ी हुई. ये पेक्टोरिस फैट के पैड हैं जहाँ फैट डिपोजिट रहता है. ये मैमरी ग्लैंड के लोब्स हैं जिनमें एल्वियोलाई पाए जाते हैं. ये चारों तरफा एरिया एरियोला, आगे का टिप ये निप्पल है. ये लैक्टिफेरस सिनेसिस जिसमें टेम्परली जो मिल्क है वो रिजर्व रहता है. और ये पीछे लैक्टिफेरस डक्ट हैं जहाँ से मिल्क आकर के साइनस में थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा. ब्लड सप्लाई परफोरेटिंग ब्रांचेस जो है इंटरनल मेमोरी आर्टरी की, परफोरेटिंग ब्रांचेस इंटरनल मेमोरी आर्टरी की इसको सप्लाई करती है. लेटरल इसमें थोरेसिक आर्टरी आती है और थोरेको एक्रोमियल आर्टरीज भी इसको सप्लाई करती है और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज इसको सप्लाई करती है. तो चार तरह की आर्टरीज अपन ने इसमें पढ़ रहे हैं जो इसको सप्लाई कर रही हैं. इंटरनल मेमोरी आर्टरीज की ब्रांचेस, लेटरल थोरेसिक आर्टरीज, फिर थोरेको एक्रोमियल आर्टरीज और पोस्टीरियरली इंटरकोस्टल आर्टरीज. लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक्स आप इसको इसके देखेंगे तो 75% तो एक्सिलरी नोड्स, 25% इंटरनल मेमोरी. इसके अलावा कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट जो है यहाँ, ये तो हो गया एनाफिसिया. अब इसका जो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट का जो कैंसर है स्प्रेड मोस्ट अलोंग द लिम्फेटिक डक्ट टू द रीजनल लिम्फ नोड. जो ब्रेस्ट कैंसर है वो फैलता इस लिम्फेटिक से ही रीजन, इस लिम्फेटिक रीजन से फैलता है. लिम्फेटिक से लिम्फ नोड के रीजन तक ये फैला हुआ रहता है ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फेटिक से लिम्फ नोड के रीजन तक. तो ये यहाँ पर देखिए लिम्फ बताई गई, ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स दिखाए गए हैं. ये सब सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स हैं. ये लिम्फ नोड्स जो रिब्स और स्टर्नम के पास में पाई जाती हैं. अब ब्रेस्ट कैंसर क्या है? एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है जिसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है और अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है नॉर्मल टिश्यू के कंपैरिजन में. ब्रेस्ट कैंसर टिश्यू का एक एबनॉर्मल मास है जिसकी ग्रोथ नॉर्मल टिश्यू के कंपैरिजन में एक्सीड कर जाती है और अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है और वहाँ परसिस्ट कर जाती है उसी सेम मैनर में जिस मैनर में वो शुरू हुई थी स्टिमुलेशन मिलने के बाद. तो वो स्टिमुलेशन को अगर आप रोक भी दोगे, जिस स्टिमुलेशन से ये शुरू हुआ था उस स्टिमुलाई को अगर आप सीज भी कर दोगे तो भी वो चीज़ें, तो भी वो ग्रोथ वहाँ पर चलती रहती है, विच चलती रहेगी. तो उस कंडीशन को आप कैंसर कहते हैं कि वो स्टिमुलेशन जिसने ये चेंज शुरू किया था, इवोक द चेंज, चेंज शुरू किया था, उस स्टिमुलेशन को सीज करने के बाद भी सेम मैनर में उस टिश्यू की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल ग्रोथ वहाँ परसिस्ट कर जाती है तो उसको कैंसर कहा जाता है. ब्रेस्ट कैंसर वो कैंसर है जो कि ऑरिजिनेट होता है ब्रेस्ट के टिश्यू में. रिस्क फैक्टर्स विद जेंडर, ऑब्वियस है मोस्टली फीमेल्स में ही पाया जाता है. कभी कभार कुछ केसेस आजकल जो है मेल में देखे गए हैं पर वरना ये फीमेल्स का कैंसर है. एज बढ़ने के साथ ही इसके रिस्क भी बढ़ जाते हैं. फैमिली हिस्ट्री जिनके अंदर चल रही होती है, अगर मदर को है या मदर की फैमिली में किसी को है, मैटरनल आंट को है, सिस्टर को है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. या फिर चाइल्ड बियर जो लोग नहीं कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी कैरी नहीं करनी होती, कंसीव नहीं करना होता, या कंसीव कर लेंगे पर ब्रेस्ट फीडिंग जो नहीं करवा रही होती फीमेल्स, उनके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. या हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाए, मीनोपॉज लेट एज के अंदर आए, अल्कोहल का कंजम्पशन जो ज़्यादा करते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू जिनमें डेंस होता है, या डाई इथाइल
स्टेबेस्ट्रॉल एक्सपोजर से जो इनके कांटेक्ट में आते हैं उनके अंदर भी ऐसा देखने को मिल रहा होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। साइन सिम्टम देखिए भाई, ब्रेस्ट में लंप की फीलिंग आएगी। इस पिक्चर को देखते जाइए और पॉइंट्स पढ़ते जाइए। ब्रेस्ट में लंप जैसी फीलिंग, जैसे कुछ फूला हुआ सा कुछ पार्ट हो। दूसरा, ब्रेस्ट का शेप साइज में चेंजेस आ जाता है, तो ये डिम्प दिखाया गया है कि चेंज हो जाएगी। पहले वाली देखो कैसी दिखाई दे रही है ब्रेस्ट, और सेकंड डायग्राम सेकंड पिक्चर को देखिए, स्किन में डिम्पलिंग हो जाएगी, छेद जैसा सा हो जाएगा। निप्पल में इन्वर्जन, अंदर की तरफ निप्पल जो है इन्वर्ट हो जाता है। स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज निप्पल से निकलने लग जाता है। स्किन के टेक्सचर में चेंज आ जाता है और वहाँ पर पेन होने लगता है। तो देखिए थर्ड डायग्राम में स्किन टेक्सचर यानी कलर का चेंज दिखाया गया है। फोर्थ के अंदर दिखाया गया है कि निप्पल कैसा दिखाई दे रहा होता है, इन्वर्ट दिखाई देता है। देखो बाकी निप्पल्स देखो, यहाँ पर फोर्थ डायग्राम का निप्पल देखो चेंज हो गया ना, जैसे निप्पल की पुलिंग वगैरह अंदर की तरफ इसकी पुलिंग हो गई ऐसा लगता है। और लास्ट डायग्राम क्लियर या ब्लडी फ्लूड जो है वो निप्पल से लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। आपको विद डायग्राम बनाना है ये साइन सिम्टम। पैथो में अगर क्वेश्चन आता है तो आप विद डायग्राम ये साइन सिम्टम्स लिखेंगे। अब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव टाइप का दो तरह का होता है। नॉन इन्वेजिव में डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, और इन्वेजिव में लॉबर या लॉब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू, DCIS और LCIS, दो तरह के कैंसर अपन पढ़ते हैं। तो ये देखिए नॉर्मल डक्ट दिखाई गई है पहले डायग्राम में, और उसी पहले डायग्राम में सेकेंड जो है वो DCIS का डायग्राम दिखाया गया है। तो देखिए डक्ट में जो है वो कैंसर भरा हुआ है, ग्रीन को देखो बड़ा करके बताया गया ना ग्रीन पार्ट को। नॉर्मल लोब्यूल देखो कैसे दिखाई दे रहा है, कार्सिनोमा इन सिटू अगर लोब्स में हो जाता है तो वो LCIS में कैसे दिख रहे होते हैं, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। इनवेसिव हमने कहा ना पहले, तो नॉन इन्वेसिव भी डक्टल और लोबर हो सकता है और इन्वेसिव भी डक्टल और लोबर हो सकता है। तो इन्वेसिव में डक्टल देखिए। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और फाइलोड्स ट्यूमर भी देखा जा सकता है। इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट देखिए, नॉर्मल ब्रेस्ट के कंपैरिजन में अगर ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस स्वेलिंग और वार्म हो जाती है, लाल हो जाएगी फूल जाएगी और गर्म हो जाएगी दूसरे ब्रेस्ट के कंपैरिजन में। चेंज देखिए कलर का हो रहा है, निप्पल इन्वर्टेड हो गया है। अब ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं भाई, क्लिनिकली ब्रेस्ट को एग्जामिन किया जा सकता है, मैमोग्राफी करवाई जा सकती है, सबसे जो जाना जाने वाला पहचाने जाने वाला जो डायग्नोस्टिक मेथड है वो है मैमोग्राफी, मैमोग्राम लिया जाता है। इसमें USG कर सकते हो, MR इमेजिंग MRI इमेज से देख सकते हो आप। FNAC बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, FNAC पर कभी कभार गलती से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। फाइनल एस्पायरेशन साइटोलॉजी जो कि सेकंड डायग्राम में आपको दिखाई गई है, FNAC का डायग्राम है। ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए अपन FNAC करते हैं। कोर बायोप्सी भी कर सकते हो और एक्सिजनल बायोप्सी कर सकते हो, काट करके टिश्यू अलग ले सकते हो, या फिर निडल को इंजेक्ट करवाओ ब्रेस्ट के अंदर और फिर एकदम पतली सी निडल आपने इंजेक्ट करवाई और एस्पायरेट करके उसमें ब्रेस्ट की सेल्स ले ली, ये FNAC कहलाती है। तो निडल बायोप्सी दिखाई गई, निडल को यूज़ करते हैं सैंपल फ्लूड ड्रॉ करने के लिए या सैंपल टिश्यू ड्रॉ करने के लिए, जहाँ पर आपको लंप दिखाई दे रहा है वहाँ पर, और फिर उसकी स्टडी की जाती है। ये मैमोग्राफी दिखाई गई है, स्पेशल टाइप की लो पावर्ड एक्सरे टेक्निक होती है जो कि ब्रेस्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल्ड इमेज जो है आपको प्रोवाइड कर देती है। हाई रेजोल्यूशन मैमोग्राम जो फिल्म होती है वो माइक्रो कैल्सिफिकेशन को दिखाएगी, चाहे 100 माइक्रोमीटर से भी छोटा कैल्सिफिकेशन क्यों ना हुआ तो बता देती है। तो कैल्सिफिकेशन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को इंडिकेट करता है। तो ये पिक्चर में देख सकते हैं मैमोग्राफी में हर एक ब्रेस्ट को कंप्रेस किया जाता है हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिकली, और फिर एक्सरे उसका लिया जाता है हर एक पोजिशन से। इसके अलावा ये अल्ट्रासाउंड देखिए एडजंक्ट मोडलिटी को बता रहा होता है, ब्रेस्ट कैंसर एसेस करने काम आता है, ये यूज़फुल है सॉलिड और सिस्टिक लेजन को डिस्टिंग्विश करने में। बस इतना ही है ये ब्रेस्ट कैंसर। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, फिर थैंक यू क्लास, थैंक यू।